Okay, students, exercise 3.1, page number 52, question number 3. If 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y, then find the ratio of x ratio y. आपको पेज नंबर 52 पे ये क्वेश्चन नज़र आ जाएगा. सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ज़रा गौर से आपने इस पॉइंट को समझना है जो मैं भी आपको बताने लगा हूँ. आप पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आपने ना सिंपली x ratio y फाइंड करना है. आपने कुछ ऐसा काम करना है कि लेफ्ट साइड पे आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें x ratio y आए, सिर्फ इसके साथ जो नंबर है ना 4, 3, 5, 7 ये एलिमिनेट हो जाए. तो 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 4 times 12 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 times 15, इसको एज इट इज़ रहने दें. नेक्स्ट टाइम में x वालों को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र करें और y वालों को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करें, तो 10x इक्वल्स टू 8y हो जाएगा. फिर आप x डिवाइडेड बाई y करेंगे क्योंकि y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो x डिवाइडेड बाई y हमारे पास आ जाएगा 8 और डिवाइडेड बाई 10. अब ये दोनों की टेबल पे 2 के टेबल पे कट हो रही हैं, तो 2 4 टाइम आप 8 कर दें और सेम इसी तरह 2 5 टाइम आपके पास 10 आ जाएगा. तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं. अब इसको रेशो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर लें. ये x डिवाइडेड बाई y बनेगा x रेशो y और 4 डिवाइडेड बाई 5 बनेगा 4:5. तो ये दोनों आंसर्स हमारे आ गए. इस क्वेश्चन को नोट कर लें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा.